हेलो बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। हम अपने जो ज्योग्राफी है उसके सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज ऐसे कर चुके हैं। 15th की एक्सरसाइज नहीं हुई है, वो आज हम करेंगे, लेकिन साथ साथ 11, 12, 13, 14 इन चैप्टर की एक्सरसाइज भी हम करेंगे, ठीक है। चैप्टर हमारा फर्स्ट 11 है, एनवायरमेंट। इसमें MCQ में फर्स्ट देखिए बायोस्फीयर का क्या मतलब पता है। बायोस्फीयर वो होती है जहाँ पर हवा, पानी और ज़मीन तीनों मिलकर लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो क्या है? हवा, पानी और ज़मीन। लिथोस्फेयर मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फेयर मीन्स पानी और एटमोस्फेयर मीन्स हवा, मतलब ऑल ऑफ द अबव, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? जो ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया गया होता है वो क्या है? लैंड। लैंड इज़ द राइट आंसर। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? मीन्स एक्वेरियम। क्या है? मैन मेड है ये। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है? डैम है। विच इज थ्रेट टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को खतरा किससे है? बढ़ती हुई जनसंख्या से है। बायोस्फीयर क्या है? नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, एयर और वाटर मिलते हैं। एटमोसफेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। हाइड्रोस्फेयर जो पानी का मंडल है। एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ की दशाएं हैं। मीन्स इसका क्या होगा आंसर? बी। कौन से दिन हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल? ये है 5th जून। इट्स अ ट्रेड, एक ऐसा व्यापार जिसमें पैसे के इस्तेमाल के बिना चीज़ों का आदान प्रदान होता है। पास्ट में या फिर बहुत ही टाइम पहले लोग, जब पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पैसा यूज़ में नहीं आया था, तब लोग बार्टर सिस्टम ही करते थे। विच डोमेन एग्जिस्ट बिटवीन 5 miles अबव एंड 5 miles बिलो द सी लेवल? सी लेवल से 5 मील ऊपर और नीचे कौन सी डोमेन है? ये है लिथोस्फीयर। कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? वो ये है कि जो सभी जानवर, सभी पौधे, जानवर और जो इंसान है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। गलत है, डिपेंड करते हैं, तभी तो इकोसिस्टम्स बनते हैं, तभी तो जो फूड चेन्स हैं वो बनती हैं। डोमेन ऑफ वाटर को हम हाइड्रोस्फीयर करेंगे। एनवायरनमेंट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर। व्हाट इज़ द मेथड इन विच सेंसिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज डन? वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। ग्रेट वेराइटी ऑफ लाइफ, जो जीवन का जो विविधता उसको हम जैव विविधता कहते हैं। ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे, हम कर भी नहीं रहे हैं, वैसे एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन होती है बेटा एक सिंपल चेन होती है जिसमें फीडिंग, मतलब फीडिंग मतलब खाना खिलाने का जो संबंध होता है 3 से 4 जीवों के बीच में। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? पानी के सोर्सेज होते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर होती है अर्थ की सॉलिड क्रस्ट। इकोसिस्टम क्या होता है? इंट्रैक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स का अपने फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ। ब्लू प्लैनेट इज अर्थ। चैप्टर 12 है हमारा इनसाइड आर अर्थ। फर्स्ट MCQ है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? मेटामॉर्फिज्म के बाद लाइमस्टोन मार्बल में बदल जाता है, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक और पेरेंट रॉक? ये है सर इग्नियस रॉक, क्योंकि जब लावा ठंडा होता है तो पहली रॉक कौन सी होती है? इग्नियस रॉक। मिनरल्स यूज कॉल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड इन विच रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि इन रॉक्स में ही फॉसिल्स पाए जाते हैं। अपर मोस्ट लेयर कौन सी होती है अर्थ की क्रस्ट? डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मास, जो महाद्वीप हैं वहाँ पर कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं? खनिज तत्व वो है सिलिका और एलुमिना। रीड द फॉलोइंग, कौन सा इनकरेक्ट है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं, सारी जो टर्म्स हैं वो सारी ठीक है। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो अवशेष हैं उनको हम क्या कहेंगे? फॉसिल्स कहेंगे। वो रॉक जो पिघले हुए मैग्मा से बनती है उसको हम इग्नियस रॉक कहेंगे। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है बेसाल्ट। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक है सैंडस्टोन और मेटामॉर्फिक रॉक है मार्बल। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, तो इसका आंसर होगा बी। जो चट्टाने हैं रोल करती हैं, उन्हें दरार आ जाती है, गुस्से से टकराती है, टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, टुकड़ों को हम सेडिमेंट कहते हैं। इनर मोस्ट लेयर है हमारी कोर अर्थ की, और जो कोर है निकल और आयरन से बनी, जिसको हम निफे कहते हैं। निकल NI, Fe फेरस। बीनीथ द अर्थ मेंटल, अर्थ की मेंटल के नीचे क्या है? बीनीथ द अर्थ, अर्थ के नीचे क्रस्ट के नीचे मेंटले है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। अपर मोस्ट लेयर अर्थ की है क्रस्ट। कोई भी नेचुरल मास जो मिनरल मैटर से बना है, जो अर्थ की क्रस्ट को बनाता है, उसको हम रॉक कहेंगे। मैचेस देखिए बेटा। टेक्टोनिक प्लेट्स,
12 प्लेट्स हैं जिससे क्रस्ट बनती है। इग्नियस रॉक्स है, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक, दो पार्ट होते हैं इसके, दो टाइप के होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का आंसर होगा ये, वेदर चेंजेस और इरोजन के जो घटक होते हैं उनके द्वारा बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक का क्या है, ये एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के कारण बनती है, क्रस्ट एपरमोस्ट क्लियर ऑफ द अर्थ। 13 चैप्टर है हमारा आर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती हुई धरती, जो एपिसेंटर है जिसके कारण जो अर्थक्वेक वेव ऑरिजिनेट होती हैं उसको हम सिस्मिक वेव कहते हैं, सिस्मिक फोकस कहते हैं, और सिस्मिक फोकस के ऊपर अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम अर्थक्वेक के जो ट्रेमर्स हैं, वाइब्रेशन हैं, उनको नापते हैं उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ पे जो पैमाना है उसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। अर्थक्वेक क्या कोज कर सकता है, सुनामी, फॉल्स एंड फिशर्स, ट्रेमर्स एंड वाइब्रेशन, मतलब ऑल द अबव। 26 जनवरी 2001 में 7.9 पैमाने का एक अर्थक्वेक आया था जिसने भुज को पूरी तरह से प्रभावित किया था। हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है एंजल वाटरफॉल। मिंडर्स क्या होते हैं अर्थ में, रिवर में जो बैंड्स होते हैं। ऑक्सबो लेक क्या होती है, लूप्स कट ऑफ फ्रॉम द रिवर्स, फ्लड प्लेन फर्टाइल होते हैं, लेवीज जो ऊपर उठे हुए किनारे होते हैं नदियों के। विच अमंग द फॉलोइंग द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज, सुंदरबन डेल्टा। डिपोजिशनल फीचर है ग्लेशियर की मोरेन। अर्थ की जो क्रस्ट है वो पतली है और बहुत सारी प्लेट्स में टूटी हुई है जो एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक हैं, फिट हैं बिल्कुल, उनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, ठीक है, दो प्लेट्स जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट होता है। मैग्मा जब अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाते हैं उसको लावा कहते हैं। यस, जो नली नुमा जो जगह होती है जहाँ से लावा बाहर निकलता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन बनते हैं जब दो पैरेलल फोल्ड होते हैं, जब समानांतर धस जाता है ज़मीन, फोल्ड होते हैं जब नीचे धस जाती है, ठीक है, और उनके बीच की जो ज़मीन है या तो ऊपर उठी रह जाती है, उठ जाती है, अपलिफ्ट ऊपर की तरफ उठ जाती है सराउंडिंग के एरिया, और जो नीचे का एरिया वो नीचे की तरफ रह जाता है और बीच का जो एरिया है वो ऊपर उठ जाता है और वो ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। देखिए लॉयस क्या होते हैं, लॉयस होते हैं ग्रेन्स ऑफ सैंड, मतलब जब हवा अपने साथ रेत को उड़ाकर काफ़ी बड़े एरिया में फैला देते हैं उसको लॉयस कहते हैं। टर्न क्या होता है, टर्न होता है बेटा जब आइस मेल्ट होके जो सर्क्यूल होता है उसमें पानी भर जाता है उसको टर्न कहा जाता है। सीस्मोग्राफ एक क्राफ एक यंत्र होता है जिस में अर्थक्वेक के ट्रेमर्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, ये आंसर है। रिक्टर स्केल पैमाना है जिस पे अर्थक्वेक की कितनी तीव्रता से आया उसको मापा जाता है। ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट क्या होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर रगड़ खाती हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट कहते हैं। चैप्टर 14 निकालिए अपना, चैप्टर 14 है आपका एयर वेदर एंड क्लाइमेट, जिसका फर्स्ट MCQ है टोटल मास ऑफ एयर सराउंडिंग आवर प्लैनेट इज कॉल्ड एटमोसफेयर। दो मेन गैसेस कौन से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है बेटा, स्ट्रेटोस्फेयर इज द जोन जो ट्रोफोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में है। एटमोस्फेयर की जो लेयर है जिसमें आयन्स होते हैं उसको आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर भी हम कह सकते हैं। जब वाटर वेपर छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाता है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जो जब पानी पौधों के पत्तों से वातावरण में घुल जाता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सोलर एनर्जी जो अर्थ के द्वारा इंटरसेप्टेड या फिर रिसीव की जाती है, अर्थ के सरफेस पे आती है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर मापने का। रेन गेज है रेन की जो अमाउंट है उसकी जानकारी हमें देता है। बैरोमीटर क्या करता है, हवा का जो दबाव है उसको मापा जाता है। विंड वेन से हम विंड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ट्रेड विंड्स कौन सी विंड हैं जो परमानेंट पर पूरा साल चलती हैं। लू क्या है, लोकल विंड है एक पर्टिकुलर एरिया में चलती है। मॉनसून एक सीजनल विंड है। विंड क्या होता है, जब एयर में मूवमेंट होता है टू एंड फ्रो मूवमेंट इन द एयर इज कॉल्ड विंड। डिग्री ऑफ हॉटनेस गर्मी और ठंडी की जो डिग्री है उसको टेम्परेचर कहते हैं। ये इनकमिंग सोलर एनर्जी है जो अर्थ पे आती है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। ट्रेड विंड वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज ये परमानेंट या
परमानेंट या प्लेनेटरी विंड्स के एग्जांपल हैं। वो एरिया जहाँ पे कम तापमान होता है, हवा भारी होती है, नीचे की तरफ डिसेंट्स मतलब नीचे की तरफ दबाव देती है। यस, माउंटेन की जो विंडवार्ड साइड है, ये जो साइड है उस पर ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है। देखिए मैचेस, देखिए बेटा, ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से बचाती है। थर्मोस्फेयर क्या है? रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करती है हमारी, जो आपके टीवी रेडियोस वगैरह चलते हैं जहाँ से सिग्नल मिलता है, ये जो हमारी थर्मोस्फेयर है इसी स्फेयर में सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है। ट्रोपोपोज क्या है? ट्रोपोपोज जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होकर स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाती है। लोकल विंड्स क्या होती हैं? लोकल विंड्स होती हैं एक पर्टिकुलर डे और ईयर का जो स्मॉल पार्ट है उसमें छोटे से हिस्से में चलती हैं। विंड्स क्या होती हैं? एयर में जो मूवमेंट होता है उसको हम विंड कहते हैं। बेटा अब हमारा चैप्टर नंबर 15 जो है वाटर, फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, मींस बोथ, ऑप्शन सी। कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? हवाओं के कारण सुनामी कभी नहीं आती है बेटा, ठीक है। हाँ, हवाओं के कारण जो लहरें हैं काफ़ी ऊंचाई तक उठ सकती हैं, हाई अल्टीट्यूड पे ग्लेशियर पाए जाते हैं। सुनामी क्या होती हैं? वेव्स होती हैं जो बहुत ऊंची तक उठती हैं। ओशन करंट्स क्या होते हैं? फिशिंग में हेल्प करते हैं। रिवर पोर्ट, हुगली एक रिवर पोर्ट है, नदी बंदरगाह है, इसका ठीक ऑप्शन है सी। सैलिनिटी डिक्रीजेस टुवार्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ जो सैलिनिटी है वो कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भारी वर्षा होती रहती है, जिसके कारण क्या है, मीठा पानी जब जाता है समुद्र के पानी में तो जो नमक है उसका साल्ट कंटेंट है उसकी संख्या मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है टाइड्स इसके कारण कोज होते हैं अट्रैक्शन ऑफ मून, ये हमारा बच गया, नहीं हो गया। विच इज़ अमंग द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम सैलिनिटी, डेड सी में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है। अ किलर सुनामी हिट 11 साउथ ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ एशिया इन 2004। सुनामी इज़ अ जैपनीज वर्ड मीनिंग हार्बर वे। हार्बर वे क्या होती है? जो तटीय या फिर जो कोस्टल वेव्स होते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड का कौन सा जो एरिया है 2004 की सुनामी के बाद सबमर्ज हो गया है, ये इंदिरा पॉइंट। वो प्रोसेस जिसमें पानी लगातार अपनी फॉर्म अपना आकार बदलता रहता है और ओशियंस एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच चलता रहता है उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। वो प्लेस जहाँ पे गर्म और ठंडे करंट्स मिलकर छोटे छोटे जहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, उनको हम प्लैंकटोन्स कहते हैं। सन और मून के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल के कारण टाइड्स बनते हैं, टाइड्स नेविगेशन में हेल्प करते हैं। जो वार्म ओशन करंट्स हैं वो इक्वेटर के नज़दीक ऑर्गेनेट होते हैं और पोल्स की तरफ चलते हैं, और कोल्ड ओशन करंट कहाँ होते हैं? कोल्ड ओशन करंट्स पोल्स पे ऑर्गेनेट होते हैं और वो इक्वेटर की तरफ चलते हैं। हमारा अर्थ क्या है? एक वाटर प्लैनेट है, मतलब पानी वाला ग्रह है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की जो अमाउंट है वो हम कैसे करते हैं? विंड्स ब्लोइंग द ओवर द वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स, इनके ऊपर जो हवाएं चलती हैं वो वर्षा को प्रभावित करती हैं। करंट्स क्या होते हैं? करंट्स का ही एक टाइप है कोल्ड करंट। गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट या फिर गर्म समुद्री धारा है। सुनामी क्या होती है? ह्यूज टाइडल वेव होती है। वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को हर साल। सो आपके पांचों चैप्टर की एक्सरसाइज हो गई है, इनको लर्न करें, रिवाइज करें, डाउट है तो डाउट सेशन में क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।